हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी गाइस? फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आप लोगों को थैंक्स यार इतने सारे कमेंट करने के लिए, और गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, जो मैंने कंप्यूटर जॉब्स वाली वीडियो बनाई थी, उस वीडियो पे इतने सारे लोगों ने कमेंट किए हुए हैं, हजारों से भी अधिक लोगों ने वीडियो को देखा हुआ है अभी के टाइम पे। और मैं आपको बताऊँ, कई लोगों ने कमेंट किए कि भाई आप कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में कुछ बताओ। उस वीडियो में आपने थोड़ा सा बताया था, इसके बाद थोड़ा डिटेल वीडियो बनाओ, कितना तक सैलरी मिल जाता है कंप्यूटर ऑपरेटर ऑस्ट्रेलिया में, कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स की जरूरत पड़ती है हमको अभी के टाइम पे जॉब करने के लिए। ठीक है, मैं आपको बताऊँ, कई सारे लोगों ने बेसिकली इससे ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पर्सनली ये काम सीखा हुआ है, तो पूछ रहे थे भाई एज अ फ्रेशर हमको कितनी सैलरी मिल जाती है एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर में, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। तो पहले मैं आपको कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट शेयर कर देता हूँ, उसके बाद मैं सैलरी बता दूंगा कितने तक आप ऑन एंड एवरेज अर्न कर सकते हो एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो पहले रिक्वायरमेंट्स देखो। कंप्यूटर ऑपरेटर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका एक्सपीरियंस जरूर लेना। ठीक है, 6 मंथ या 1 ईयर का एक्सपीरियंस जरूर लेना, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, आपको अगर वर्क वीजा पे काम करना है तो एक्सपीरियंस लेटर भी काफी जरूरी होती है। जो भी कंपनी में अप्लाई करोगे आप, तो सबसे पहले आपकी एक्सपीरियंस लेटर देखती है, क्वालिफिकेशन देखती है, उसके बाद ही आपको जॉब प्रोवाइड कराती है। ठीक है, आप विजिट वीजा या फिर स्टूडेंट वीजा पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट वीजा पे दिक्कत ये होता है, आप पार्ट टाइम में भी कर सकते हो, फुल टाइम में भी कर सकते हो, दोनों बेनिफिट होता है। बट आप अपने कॉलेज के टाइम पे अगर आपकी हॉलीडेज चल रही है तभी आप फुल टाइम कर सकते हो, नहीं तो आपको 1 वीक में लगभग 20 आवर तक वर्क करना होता है। ठीक है, वर्क वीजा के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, पहले वो सुन लो, उसके बाद मैं सैलरी बताऊंगा। देखो, रिक्वायरमेंट एक्सपीरियंस पहला चीज, तो सेकंड आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, कोरोना के बाद से थोड़ा ज्यादा शिफ्ट हो चुका है, तो मेडिकल पे काफी ज्यादा ध्यान रख, शरीर में कोई कमी हो, कोई बीमारी हो, डॉक्टर से दिखा करके पहले ही ठीक कर लो। ठीक है, थर्ड चीज, आपको एक प्रूफ ऑफ फंड भी दिखाना पड़ता है, जितने दिनों के लिए आप स्टे करोगे उतने दिनों के लिए आपके पास पैसे हैं या नहीं, सारी चीज़ दिखानी पड़ती है। आईएलटीएस में एक अच्छा स्कोर करना होता है, आईएलटीएस सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इस पर ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फुली सर्टिफिकेट, आपकी क्वालिफिकेशन कॉपीज, बेसिकली ये सारी चीज़ें जरूरत पड़ती हैं। तो को अप्लाई आप कई सारे तरीकों से कर सकते हो, एजेंट के थ्रू भी कर सकते हो, बेसिकली माई करियर, करियर वन, ये सारी ट्रस्टेड वेबसाइट हैं जहाँ के आप, जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो जॉब्स के लिए। कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो को सैलरी कई लोग पूछ रहे थे, सैलरी बता दूँ मैं, ऑन एन एवरेज आप $25 से लेकर के $35 तक पर आवर अर्न कर सकते हो कंप्यूटर ऑपरेटर पे, पार्ट टाइम में भी कर सकते हो, फुल टाइम में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हैव नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, कोई भी डाउट हो कमेंट करो।